रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी अदबी दीनी मिल्ली समाजी सकाफती तहजीबी फलाही तिब्बी फन्नी माशी तजारती माशरती इंतजामी इनकलाबी तहरीकी तहकीकी तकनीकी तफ्तीशी तामीरी तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नवीद दुलार सर जो कि मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के एक फाल लेक्चरर हैं, वो आज हमें इस चौराहे पर जो है वो मुयस्सर आए और इनका एक बहुत ही अहम नुक्ता जो उन्होंने चलते चलते बस यूं ही बयान कर दिया वो पेश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि नवीद सर आप जो है हमारे सामाईन को नागरिन को वो आपका जो नुक्ता है वो जो है बयान करें। अजीज साथियों, मैं मालेगांव शहर से जो तकलीफ जो परेशानी चल रही है ख़ासतौर से ट्रैफिक को लेकर, और मैं देख रहा हूँ हर जगह हर रोड जाम है, इवन मुल्लावाड़ा रोड का हो, दुबई रोड का हो या मोहम्मद अली रोड का हो, सारे रिक्शे की वजह से गाड़ियों की वजह से जाम है। बस वजह ये है कि हमारे यहाँ लोगों को चलने का तरीका नहीं। सबसे पहले बात, वो तो चलना सीखे, और मेरी एक राय एक मशवरा ये है, मैं न्यूज़ चैनल के ज़रिए ये बात रखना चाहता हूँ कि हर कोई अपनी गाड़ी के ऊपर रिक्शे पे टू व्हीलर्स पे एक मोनोग्राम बनाए कीप लेफ्ट का, ताकि वो अपनी गाड़ियाँ वन साइड लेकर चले। एक लेफ्ट साइड से हमारा कायदा है, हमारा कानून है, उस कानून का पालन करते हुए कीप लेफ्ट का मोनोग्राम बनाए और हर कोई एक तरीके से कीप लेफ्ट की तरफ से चलना है, और उससे जो है ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा और हमें चलने का सलीका भी होगा। ठीक, बेहतरीन बात बताई हमारे नवीद दुलार सर ने कि हमें अपने बाएं जानिब से चलना है। कभी भी जब हम सड़क से चलें, हम घर से निकलें, हम किसी भी काम के लिए, चाहे हम पैदल हों, चाहे हम टू व्हीलर सवारी पर हों, चाहे हम साइकिल पर हों, चाहे हम फोर व्हीलर पर हों, हमें चाहिए कि हम लेफ्ट से चलें। रिक्शे वालों को भी एक मैसेज दो कि भाई आप जो किराया खड़ा कर अपनी गाड़ी में जो किराया लेते हो या जो पैसेंजर आप बैठाते हो, तो आप ये भी ध्यान दें अगर मेन रोड अगर आपका है तो आप बराए मेहरबानी मेन रोड पर बीच में रिक्शा ना रोकें, किसी भी साइड में खड़े होकर रिक्शा रोकें और पैसेंजर को बैठाएं, या अपना एक पॉइंट बनाए, रिक्शा स्टॉप वगैरह बनाए, ताकि पैसेंजर जो है उसी जगह आए और अपने जो है आप लोगों को किराए वगैरह का जो भी उनको देना रहेगा फ्रेट वगैरह चार्जेस आपको डायरेक्ट वहीं पर दें। तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट है रिक्शे वालों से, और हम मुद्दमाना दरख्वास्त करते हैं रिक्शे वालों को खासतौर, और जो बच्चे जो गाड़ियाँ आनंद फानंद लेकर चलते हैं रोड पर रास्ते पर, एक्सीडेंट भी बहुत सारे हमारे शहर में होने लगे, इस पर भी बहुत ज़्यादा रोक लगानी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और ख़ास चीज़ जो आज आपको प्रमोट किया जा रहा है कि भाई कीप लेफ्ट का एक मोनोग्राम बनाए और अपनी गाड़ियों पर फिल्मी हीरो के नाम की बजाय या फिल्मी नाम लिखने की बजाय आप सिर्फ लिखें आप कीप लेफ्ट, ताकि हमारे हिंदुस्तान का जो कायदा है वो भी हम उसको फॉलो कर सकें। थैंक यू।